दिल्ली में एक दिन की बात करें, दिल्ली में आंकड़े जो आ रहे हैं, क्योंकि ये नंबर्स भी अपने आप में बहुत सारी बातें इंडिकेट करते हैं। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 19,166 नए मामले आए हैं। राजधानी में कोरोना से 24 घंटे में 17 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में संक्रमण की दर 25% से के भयावह स्तर तक पहुंचा है, यानी कि जो रेट है वो काफी बड़ा है। राजधानी में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 39,873 हुए हैं। आज जो 12 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर नजर रहेगी। 12:30 बजे LNJP अस्पताल का दौरा भी करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि खुद पॉजिटिव हो गए थे, संक्रमण में आए थे, लेकिन अब बेहतर स्थिति में है वो। जितेंद्र भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित थे, हालांकि उन्होंने बता दिया है कि वो ठीक है, रिकवर हो रहे हैं, लेकिन ये जो दिल्ली में स्थिति है, एक तरफ संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में लापरवाही का सिलसिला अभी भी जारी है, भले ही बहुत कड़ाई की जा रही हो, बहुत सारे नियम बना दिए गए हो। और बिल्कुल, नियम काफी बने हैं और कल भी DDMA की अहम बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया है कि जितने भी बार रेस्टोरेंट हैं उसको डाइनिंग बंद कर दी गई है, टेक अवेज ही अलाउ किया है। इसके अलावा लोगों में लापरवाही दिख रही है और आज खुद इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके बाद जमीनी हकीकत क्या है, जायजा उसका लेने के लिए LNJP अस्पताल पहुंचेंगे और देखेंगे वहां पर क्या व्यवस्था है। साथ ही जिस तरीके से हेल्थ केयर वर्कर्स की भी संक्रमित होने की बात थी तो उस पर भी वो चर्चा करेंगे। लेकिन इसके बाद ये देखिए, कुछ लोग इससे राहत जरूर महसूस कर रहे थे कि कल जो है 19,166 मामले आए और उससे पहले 22,000 थे, लेकिन ये स्थिति जब है, जब 3,000 करीब मामले कम आए हैं क्योंकि टेस्टिंग भी 20,000 कम हुई है। पहले जहां 96,000 लोगों की टेस्टिंग हुई थी तो कल वाले जो बेल रूटीन था उसमें 76,000 की लोगों की ही जो है तो टेस्टिंग की गई थी, यानी कि टेस्टिंग क्या उसका कहीं कोई असर है क्या, उसको इंक्लूड कर सकते हैं क्या, उसमें शामिल कर सकते हैं उसके प्रभाव को, ये जो 2 दिन का लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन है दिल्ली के अंदर। रवि, बिल्कुल, देखिए जो नाइट कर्फ्यू लगा था, फिर वीकेंड कर्फ्यू लगा और कहीं ना कहीं इस चीज़ को विश्लेषण करने के लिए कल DDMA की अहम बैठक थी, ये पता करने के लिए कि क्या 2 दिन अगर लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं तो उसका क्या होगा। लेकिन इसका असर अगले 1-2 दिन बाद देखने को मिलता है, क्योंकि जो हेल्थ बुलेटिन होता है वो पिछले 24 घंटे के आंकड़े और उनके आकलन के आधार पर होता है, तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन आज जो अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है काफी अहम है, उसमें बताने वाले कि आगे का कदम क्या रहेगा और उसके बाद वो LNJP विजिट बिल्कुल करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें निकल कर आती है नजर रहेगी हमारी। और देखिए, मुंबई की बात करें, मुंबई जो कि सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित शहर रहा है पूरे भारत में, मुंबई में एक दिन में कोरोना के 13,648 मामले आए हैं। मुंबई में संक्रमण की दर बढ़कर 23% तक पहुंची है। रविवार के मुकाबले मुंबई में नए मामलों में 5,826 की गिरावट भी दर्ज की गई है, यानी कि वहां भी देखिए रफ्तार में कमी है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 5 मरीजों की मौत हुई। पूरे महाराष्ट्र में एक दिन में आए 44,388 नए केस। अखिलेश, किस तरह से सरकार इन आंकड़ों को देख रही है? मामले तो घटे हैं और दिल्ली के मुकाबले मुंबई की बात करें तो रफ्तार में कमी लग रही है, लेकिन क्या यह संतोषजनक है? देखिए बिल्कुल रवि, यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि शनिवार और रविवार को टेस्टिंग कम होती है, जिस वजह से ये आंकड़े कम दिख रहे हैं। कल 33,500 जो आंकड़े आए थे महाराष्ट्र के, वो इसी वजह से कम आए थे कि टेस्टिंग 59,000 हुई थी। बाकी दिनों में वर्किंग डे में ये 72,000 के आसपास टेस्टिंग होती है, तो ये था जिस वजह से आंकड़े कल 33,500 आए थे और मुंबई में 13,500 के करीब आए थे। लेकिन आज का दिन देखना होगा कि अगर ये आंकड़े वाकई कम आ रहे हैं तो टेस्टिंग की वजह से आ रहे हैं, या फिर ये जो नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ है और ये धारा 144 लगी है उसकी वजह से कोई कंट्रोल हो रहा है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कल जब हमने स्वास्थ्य मंत्री से बात किया था, उनमें उनका कहना था कि कोई भी जगह हो भीड़भाड़ वाली, वहां हम सख्ती से निपटेंगे। आज हमने तस्वीर दिखाई सुबह दादर की सब्जी मंडी की, जहां पर हजारों की भीड़ है, रोजाना होती है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं, महानगर पालिका भी वहां नहीं है और ना ही कोई कर्मचारी है। तो ये जो भीड़ है ये खुद कोरोना के संख्या बढ़ाने के लिए आमंत्रित। ये एक चीज जरा समझाइए दर्शकों को भी कि चाहे पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, या फिर जिसे हम तीसरी लहर कह रहे हैं उसकी बात करें, अमूमन दुकानों में, मार्केट में, शॉपिंग मॉल्स में, कॉम्प्लेक्स में तो भीड़ कम हो जाती है, वहां पे सख्ती से, लेकिन ये जो सब्जी मंडियां हैं यहां स्थिति कभी नहीं ठीक हुई, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसको इग्नोर किया जाता है? हम दिल्ली में भी वही हालत देखते हैं, मुंबई में भी वही हालत देखते हैं, कोलकाता चले जाइए आप, लखनऊ चले जाइए, सब्जी मंडियों का क्या मामला है कि यहां पर कहीं कोई रेगुलेशन हो ही नहीं पा रहा?
जी देखिए, कहीं ना कहीं इसे इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि रेस्टोरेंट और बड़े होटल्स हैं उनकी जो लॉबी है, उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मीटिंग की थी और उनका कहना था, जब पहले बंद किया गया था रेस्टोरेंट और होटल, तब उनका कहना था काफी नुकसान हो रहा है, करोड़ों में नुकसान हो रहा है, और ये सब्जियां सभी जो है फाइव स्टार होटल में सब जाती है। हालांकि जो रोजाना सब्जी जिसे लगती है वो अपने लोकल मार्केट में खरीदता है, लेकिन जो बड़ी मंडियां हैं जैसे दादर की और भाईखल्ला की, ये सब जो बड़ी मंडियां हैं वहां पर थोक में जो सब्जियां जाती हैं वो बड़े होटल्स में रेस्टोरेंट में जाती हैं। तो यहां पर ये क्यों नहीं निर्बंध या कोई ऐसे सख्ती करना चाहते हैं, ये समझ के परे है। हालांकि हमने कई बार अथॉरिटी से सवाल भी किया है, इन्हें खुले मैदान में भी ले जाया जा सकता है, खुले मैदान में जहां सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए तस्वीरें हमेशा दिखाते रहे, आप लोग हम रिपोर्ट्स देखते रहे हैं और हर जगह की रिपोर्ट ऐसी हम देखते रहे हैं। खासकर सब्जी मंडियों, ऐसी मंडियों में, ऐसे बाजारों में कभी भी भीड़ नियंत्रित नहीं हो पाती है, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जाता। लौट रहा हूं आपके पास। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।